सुन भगता दर तो तक ना मैनू जे मेरे बिच ऐब ना हो दे मेरा तू बख्शे चढ़वे चना कर रोशनाई ते जिक्र करें दे तारे ओ गलियां दे विच फिरन नमाने ते लाला दे बन जारे दिल दी रमज़ नू जाने ओ ताड़ी मार उड़ाना बाहू ते असी आपे उड़न हारे हो जज़ाक अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दिल दरिया समुंदरों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने विच बंज मुहाने हो सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह चौदह तबक बंदे दे अंदर जेड़ा दिल दी रमज़
पछाने हो तन मन मेरा पुरजे पुरजे ते ज्यों दर्जी दिया लीरा हो लीरा दे मैं कफनी समाना ते रल जा संग फकीरा हो शहर बगदाद दे मैं टुकड़े मंग ते करदा फिरा मीरा मीरा हो दमा दम अल्लाह अल्लाह दमा दम अल्लाह 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 सुभान अल्लाह जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हाजरी पेश की है। खूबसूरत महफिल पाक बराए साले सवाब ईसा पटवारी खैरुम बशीर पटवारी और कारी सईद अहमद साहेब और आज दी इस महफिल पाक का इंतजाम और इहतमाम मीरा बख्श और कारी जमील साहब ने किया है। तो मैं तो इंज ही कहांगा कि माशाल्लाह अल्लाह ने इन्हां नूं दित्ता है ते अज सारे अपने दोस्तों नूं बुला के यही गल कहंदे ने कि लोगो सानूं जो भी मिले है हजूर दे नाम ते मिले है। और कुछ लोगो हुंदे ने कि जिन्हां नूं अल्लाह दिंदा है फिर वह अल्लाह की राह ते दिंदे ने सियाणे कहंदे ने अल्लाह दिंदिआं नूं दिंदा है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर की बारगाह दे विच एक साहिल आया उन्हें आके अर्ज की हुजूर मैं बड़ा गरीब हाँ मेहरबानी करो। आपने फरमाया बदे ताके आयद। उन्हें फिर अर्ज की हुजूर मैं बड़ा गरीब हाँ। आपने फरमाया बदे ताके आयद। तीसरी बारी जदों उन्हें अर्ज की कि हुजूर मैं बड़ा गरीब हाँ। आपने फरमाया बदे ताके आयद। उन्हें अर्ज की हुजूर मैं अर्ज कर रहा मैं गरीब हाँ। तो आप फरमाते बदे ताके आयद। आपने फरमाया दसी ते जा रहे हाँ बदे ताके आयद तू अल्लाह की राह ते दे फिर देखी तेरे को अल्लाह के नाल तिजारत कर। ये सारी महफिल पाक सजा के लोगों ने पैगाम की दे रहे ने लोगों मुकद्दर जग मगाने को नबी का नाम काफी है। मुकद्दर जग मगाने को नबी का नाम काफी है। कुछ लोगों ने जिहड़ा खांदे सरकार दा सदका ने ते खा के मुकर जांदे ने कुछ ओ ने जिहड़े खा के सरकार दे जशन मनांदे ने। हुण मैं चार मिसरे पढ़न लग्या जिहड़ा सरकार दा खांदा है ते सरकार दे गीत गांदा है ओ बोलेगा जिहड़ा मुकर जांदा है ओ नहीं बोलेगा कि जे तैराक बणदे ने तर क्यों नहीं जांदे जो तैराक बणदे ने तर क्यों नहीं जांदे कोई कारनामा ओ कर क्यों नहीं जांदे। नाल ते बंदी वाल तवज्जो रखनी है। मैं चौथा मिसरा पढ़ना है ते तुसी देखना है कि हाथ लुकांदा कौन है हाथ उठांदा कौन है ते उच्ची कौन बोलदा है कि जे तैराक बणदे ने तर क्यों नहीं जांदे कोई कारनामा ओ कर क्यों नहीं जांदे जो खाना नहीं चाहते मदीने दा सदका ओ ना सिर शर्म नाल मर क्यों नहीं जांदे जो खाना नहीं चाहते मदीने का सदका जो खाना नहीं चाहते मदीने का सदका और ना सिर शर्म नाल मर क्यों नहीं चाहते। और मुकद्दर जग मगाने को नबी का नाम काफी है। मुकद्दर जग मगाने को नबी का नाम काफी है। मुकद्दर जग मगाने को नबी का नाम काफी है। तेरा नाम या मोहम्मद मुझे जान से है प्यारा मेरे वास्ते है काफी तेरे नाम का सहारा। मुकद्दर जग मगाने को नबी का नाम काफी है। मेरी किस्मत जगाने को नबी का नाम काफी है। और तारीखी जुमला मताए कुल किया कुर्बा कहा सिद्दीक अकबर ने
मेरे इस आशियाने को नबी का नाम काफी है, मेरे इस आशियाने को नबी का नाम काफी है, लचीना वास्ते काफी है, सिर्फ वो बोले नाराए रिसालत, क्या बात है नाराए रिसालत, मुकद्दर जगमगाने को नबी का नाम काफी है, मेरी किस्मत जगाने को नबी का नाम काफी है, मताए कुल किया कुर्बा, कहा सिद्दीक अकबर ने मेरे सियाश याने को नबी का नाम काफी है, और दरूद पाक की कसरत से महका दो जमाने को, अरे जहां में अमन लाने को नबी का नाम काफी है, हाँ हाँ जहां में अमर लाने को, जहां में अमर लाने को नबी का नाम काफी है, मेरे वास्ते थोड़े वास्ते भी अन्ने की शेर काफी है, नाराए रिसालत, पर थोड़ी नारा सुभान अल्लाह काफी नहीं, नाराए रिसालत, क्या बात है हाथ उठा के नाराए रिसालत, बारगाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में हदीया नात पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं मोहम्मद लियाकत साहब। आप अहबाब बरगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया इनात पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं हसनैन अब्बास साहिब। हसनैन अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله چراغ जला कर आवाज देते हैं हुजूर अपना समझ कर नवाज देते हैं सरकार की कंधील जला लो दिल में के बाद मरने के लहत में भी उजाला होगा पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका हबीब अल्लाह हश्र तकिया मुस्तफा ने बादशायां तेरियां हश्र तकिया मुस्तफा ने बादशायां तेरियां हश्र तकिया मुस्तफा ने बादशायां तेरियां तर्ग
गए जो कर गए आका गदायां तेरियां तर गए जो कर गए आका गदायां तेरियां और प्यार की ताज खुदा ने नाल तेरे तेरे सोनिया नूरिया दे शाकलों तलियां चुमायां तेरियां तर गए जो कर गए आका गदायां तेरियां और पेश कीता सर किसे देके दिते बाजों तो वे पेश कीता सर किसे देके दिते बाजों तुम्हें कट गए पर दे गए सारे गवायां तेरियां तर गए जो कर गए आका गदायां तेरियां और हिसाब हाकिम भूल गए दाद देवर लगे पे हिसाब हाकिम भूल गए दाद देवर लगे पे जद ओ नानो कबर बिच नाता सुनायां तेरियां तर गए जो सुभान अल्लाह कर गए जज़ाक अल्लाह आका गदायां तेरियां माशाल्लाह सुभान अल्लाह शुक्रिया हसनैन भाई इंशाल्लाह हसनैन के बाद माजिद हसनैन को ही सुनना चाहिए तो आप अहबाब बुलंद आवाज़ के सुबह साथ बोलें सुभान अल्लाह माशाल्लाह आज दी महफिल पाक बस सिलसिला एसाले सवाब ईसा पटवारी खैरम बशीर पटवारी कारी सईद एसाले सवाब दी महफिल ते मैं इंज ही कह देना कि जिन्हां दे जान तो बाद सरकार दा जिक्र होवे उन्हां दी कबरां ते कितना नूर होएगा हाजी सईद चलो माशाल्लाह कारी दा मतलब हुंदा पढ़न वाला हमेशा कुराने पाक पढ़दे सी मैं तां कहांगा ओह कारी वी सी अल्लाह ताला कारी करबला दे सदके उहनां दी कबर दे उत्ते करोड़ा रहमतां दा नज़ूल फरमाए माशाल्लाह कारी मीरा बख्श दी वालदा मोहतरमा और इन्हां दे जितने भी अज़ीज़ो करबा उहनां दे साले सवाब दी महफिल है ते यकीनन जिन्हां दे जाण तों बाद तवज्जो करियो जिन्हां दे जाण तों बाद इस तरह सरकार दीआं महफिलां होण ते यकीनन नारा तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत नारा हैदरी जनाब हुजूर पीरे तरीकत रहबरे शरीयत मुहिब्बुन नबी मजहरे इसरारे मोहम्मदी माशाल्लाह 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 माशाल्लाह
चलो खामोश हो जाओ, फिर सब तशरीफ फरमा हो चुके ने, तो तुसी शेर सुनो के अज दी महफिल पाक साले सवाब दी महफिल है, और यकीनन जिन्हां दे साले सवाब वास्ते महफिल है उन्हां दी रूह तड़प तड़प के पुकार रही होएगी। की पुकार रही होएगी के दिल का शहर बख्शिश का तलबगार हो गया, दिल का शहर बख्शिश का तलबगार हो गया, दिल का शहर बख्शिश का तलबगार हो गया। मैं देखना चाहना रबत कितना है, तुसी कितना कु सुन रहे हो, जेड़ा चार मिसरे सुन लेगा ना उनू जिंदगी दे विच कोई गम रहेगा, ना मरण तो बाद कोई गम रहेगा। आज के रसूल दी रूह तड़प तड़प के ही ते पुकार दिए के दिल का शहर बख्शिश का तलबगार हो गया, साकी का नाम सुनते ही मैं खार हो गया। ए मौत शुक्रिया के तेरे वार के सबब जेरे लहद हुजूर का दीदार हो गया। ए मौत शुक्रिया, ए मौत शुक्रिया के तेरे वार के सबब जेरे लहद हुजूर का दीदार हो गया। क्यों हो गया के इश्के नबी का यही तो कमाल होता है, इश्के नबी का यही तो कमाल होता है, नबी के वसल से अपना विसाल होता है। वो और हो गए जिनके मर गए हो गए, हमारे यहाँ तो फकत इंतकाल होता है। हाँ हाँ वो और हो गए, वो और हो गए जिनके मर गए होंगे, हमारे यहाँ तो फकत इंतकाल होता है। क्यों अलामा साहब के मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है वो तो मरता नहीं, खुद मौत ही मर जाती है। अरे ये जरिया है मुलाकात नबी का, वरना मौत सरवर के गुलामों को कहा आती है। हाँ हाँ ये जरिया है, ये जरिया है मुलाकात नबी का, वरना मौत सरवर के गुलामों को कहा आती है। क्यों क्यों उनके मुन से मिलना हो तो पैगाम भी हो सकता है, मेरा मरना मुझे इनाम भी हो सकता है। जेड़े सरकार दे इश्क विच जिंदगी गुजारन उन्हां वास्ते मौत इनाम बन के आंदी है। ते शायर की कहंदा कि डुब डुब तरन नूं जी करदा है, डुब डुब तरन नूं जी करदा है, होके भरन नूं जी करदा है। ओ सुणिया सोहणे कबर च आणा है हुण ते मरन नूं जी करदा है, सुनिया सोने कबर च आना है, जा मेरे जिदा जिदा ईमान है सरकार कबर च आना है। नारायण रिसालत, या मेरे मालका इन्हां नूं दीदारे मुस्तफा नसीब फरमा। नारायण रिसालत, बारगाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया इनात पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं माजद हसनैन कादरी साहब। माशाल्लाह तमाम अहबाब इसी ज़ौक के साथ ज़हरा के बाबा की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या या रसूल अल्लाह, वसल्लम या हबीब अल्लाह। जरा ज़ौक दे नाल उस जात ते दुरूद दे जिस जात साडी खातर बैठ के गारा दे अंदर भी दुआवां मंगियां ने, कोई जुबान खामोश ना होवे, मोहब्बत दे नाल पढ़ना है। सल्लल्लाहु अलैहि या या रसूल अल्लाह, या रसूल हबीब अल्लाह, मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, सोनिया मेरा रंग भी नहीं, मेरा
रूप भी नहीं मैनू मदनी मनाउण दा तंग भी नहीं पर मैं कसम खुदा दी खाना वा मैनू सोने जिया कोई होर भी नहीं या रसूल अल्लाह 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 या हबीब अल्लाह ज़रबा लाई जा जिमें मन दही याद मनाई जा पर तैनू इको मैं कम दी गल दसा सोने ते दरूद पहुंचाई जा सोने ते दरूद पहुंचाई जा वसल्लम ले या हबीब 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 अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह महबूब जी होयो सोनिया रब कोलो जेडी गल मनवाए मनवा सकने असियां ते परवानियां नू जदों चावे कोल बुला सकने के सारी उम्र कीते असा अमल बुरे साडे लेख लिखाए लिखवा सकने तेरी अर्श फरश ते तुम पईए ए गुनाहगार छुड़ाए छुड़वा सकने बोलो या रसूल अल्लाह सजा हाथ बुलंद करके कहना या रसूल अल्लाह सोनिया 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 या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह मेरी किस्मत जगाने को नबी का नाम काफी है हजारों गम बुलाने को नबी का नाम काफी है या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह कि मैं था क्या मुझे क्या बना दिया कि मैं था क्या मुझे क्या बना दिया मुझे इश्क अहमद अता किया हो बना हुजूर की आल का मुझे जीना मरना सिखा दिया सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि के मखमर में तेरी रोशनी हुई खत में तुझे
ईसा तेरे सिवा नहीं करे कौन तेरी बराबरी करे कौन तेरी बराबरी है किसे कि क्या ये मजाल ही मेरी हाजरी दे आखिरी इशारे ने इशारा मेनू हो गया ते गला स्टार्ट हो रहा जरा मोहब्बत ने कहो सुभान अल्लाह आखिरी इशारे ने जेड़ा पंज दिन दा लंगर खांदा है ना सदका खांदा तू भी हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह नारे हैदरी के चलदा है सदा लंगर पंज तन दे घराने दा चलदा है सदा लंगर पंज तन दे घराने दा चलदा है सदा लंगर पंज तन दे घराने दा के चलदा है सदा लंगर पंज तन दे घराने दा के वंडदा है खुदा सदका हसनैन दे नाने दा वंडदा है खुदा सदका हसनैन दे नाने दा रिस्क देते ने माल देते तुसी भी जरा मोहब्बत ना कह दो सुभान अल्लाह माशाल्लाह एडा सोहना इंतजाम हर नाथ खान दी इन्नी खिदमत और तोड़े सोहना लंगर बनाया जरा मोहब्बत ना कह सुभान अल्लाह हां बाबा जी रिस्क देते हैं माल देते हैं हसरतें दिल निकाल देते हैं अरे गैरों के दर से जाकर क्यों मांगे हमें रिस्क सैयदा सहरा के लाल देते हैं के चलदा है सदा लंगर हसे नैन दे नाने दा पलकां ते बिठाउंदे ने मैनू सारे जहां वाले के पलकां ते बिठाउंदे ने मैनू सारे जहां वाले के जिस दिन दा मैं सग बनया पंज तन दे घराने दा आखरी शेर चलदा है सजात बुलंद करके चलदा है सदा लंगर हसनैन दे नाने दा माशाल्लाह सुभान अल्लाह चलदा है सदा लंगर हसनैन दे नाने दा चलदा है सदा लंगर हसनैन दे नाने दा ले वैसे एक गल ते सुनो कि लंगर असी उन्हां दा खा रहे हां ते रज के खा रहे हां कि जिन्होंने तीन तीन दिन बगैर अफतारी और सहरी तो रोजे रखे ने सुनने वास्ते मैं लम्हा फिक्रिया देने वास्ते तुहानू खड़ा होया और तुहाड़ी ज़ियारत करन वास्ते खड़ा होया कि सरकार दे ज़िक्र पाक दे विच जिहड़े सरकार दे दीवान नहीं आ सकदे ने गल सुनो गौर नाल इधर सुनो असी पानी पी रहे हां उहनां दा सदका जिहड़े करबला विच प्यासे रहे ने लंगर उहनां दा सदका खा रहे हां जिन्हां ने तीन तीन दिन चार चार दिन बगैर सारी सहरी इफ्तारी तो रोजे रखे ने ते फिर मैं इंज ही कह देवांगा इस्लाम उहनां दी वजह तो जिंदा है इस्लाम की कायम है कहानी हुसैन से जिन्हां दा यकीन है कि इस्लाम की कहानी हुसैन दे नाल मनसूब है और हुसैन की वजह तो जिंदा है जिंदा बंदा बोले सुभान अल्लाह ये नाम लिया तो मुर्दा दिल जिंदा हो जाते ने एक बार फिर बोलो सुभान अल्लाह
इस्लाम की कायम है कहानी हुसैन से, कुरान की बुलंद है रवानी हुसैन से। कुछ लोग ये कहते हैं कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन करबला में पानी से तरसे। आओ शायर का तखय्युल सुनो, वो कहता है कि इस्लाम की कायम है कहानी हुसैन से, कुरान की बुलंद है रवानी हुसैन से। हैदर ये बात गलत है कि तरसे हुसैन है, तरस रहा है आज तक पानी हुसैन से। हैदर ये बात गलत है कि तरसे हुसैन है, तरस रहा है आज तक पानी हुसैन से। मैं शाह साहब नु दावत देना चाहना और असी सैयदा दा एहतराम क्यों कर दिया कि सरकार की महफिल में जरूर मिलता है, सरकार की महफिल में जरूर मिलता है उस शाख को, इसको जरूर मिलता है। और सैयद जो भी मिले उसका एहतराम करना है। हर सैयद का हुसैन से खून मिलता है। सैयद जो भी मिले उसका एहतराम करना हैदर। हर सैयद का हुसैन से खून मिलता है। मैं मुल्तमिस हूँ हुजूर पीर तरीकत रहबर शरीयत मुहिबुन नबी हुजूर पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहिब शाही, आप तशरीफ लाएं और आप जी बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विच हदीए नात पेश करने वास्ते महबूब हुसैन आ तुसी रल मिल के दुरूद शरीफ पढ़ लो। सलात व सलाम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिल के पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे दुखड़े सुना दे माँ जे तेरा अमर होवे आका। सारे दुखड़े सुना दे माँ जे तेरा अमर होवे। सारी दुनिया भुला देवा जे तेरी नजर होवे। पल मेरे वेखां तेरियां गारां नूं मेरे कोल जे सर होए। मिल के पढ़ो वेखां तेरियां गारां नूं मेरे कोल जे सर हो। वेखां तेरियां गारां नूं आका, वेखां तेरियां गारां नूं मेरे कोल जे सरियां।
ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਸਰ ਆਵੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਰ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਚਾਹਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦਰਾਜ਼ੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਦਰਾਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪੱਟਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਫੇਰਾ ਕਰਮ ਦਾ ਪਾ ਛੱਡਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਬਰ ਹੋਵੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਫੇਰਾ ਕਰਮ ਦਾ ਪਾ ਛੱਡਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਹੋਵੇ ਵਾਰ ਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਜਜ਼ਾਕਲਾ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਉਸੀ ਕੀ ਥੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਾ ਹੁਆ ਮੁਫਲਸੀ ਮੇ ਅਮੀਰ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਗੇਸੂਓਂ ਕਾ ਅਸੀਰ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿਫਲ ਬਾਗ ਸਜਾਣੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਛ ਸਮਝਣ ਦੀ ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿ ਮੁਫਲਸੀ ਮੇ ਅਮੀਰ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਗੇਸੂਓਂ ਕਾ ਅਸੀਰ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਕਿ ਮੁਫਲਸੀ ਮੇ ਅਮੀਰ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਗੇਸੂਓਂ ਕਾ ਅਸੀਰ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਾ ਤੋ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਕਾ ਫਕੀਰ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਾ ਤੋ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਕਾ ਫਕੀਰ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਫਸ ਇਸ਼ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾ ਪਿਆਮੀ ਕਰ ਲੋ ਹਰ ਨਫਸ ਇਸ਼ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾ ਪਿਆਮੀ ਕਰ ਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਟ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇ ਦਵਾਮੀ ਕਰ ਲੋ ਮੈਂ ਚਾਰ ਮਿਸਰੇ ਚ ਪੈਗਾਮ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਆਸਥਾਨ ਆਲੀਆ ਫਰੀਦਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਨਫਸ ਇਸ਼ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾ ਪਿਆਮੀ ਕਰ ਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਟ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇ ਦਵਾਮੀ ਕਰ ਲੋ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਦੋਨੋ ਜਹਾਂ ਕੀ ਦਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਆਓ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਆਓ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਲੋ
दोस्तो आओ मुहम्मद की गुलामी कर लो। बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम में अपनी चाहतों मोहब्बतों का सलाम लिए तशरीफ लाते हैं जनाबे कारी पीर मोहम्मद असलम शाकिर साहिब, सिटी टाइम न्यूज एडिटर कालम नवीस, मोहम्मद अशरफ शाकिर साहिब आप तशरीफ लेके आंदे ने, आप मसनद खिताबत जलवागर ने। मैं यूं कहता हूँ कि ताजदार फसाहत चले आइए, शहरयार बलागत चले आइए, लेके बागे मदीना के गुल की महक नौबहार खिताबत चले आइए। हाथ उच्चे आवाज उच्ची नारा रिसालत, क्या बात है मैं सदके जावा, नारा रिसालत नारा रिसालत नारा हैदरी, नारा गौसिया, सिलसिला है नुशाया कादरिया, हक नौशा हक नौशा। ओ औलाद खुश किस्मत है जिन्हां नूं ये सआदत मिल जाए अपने वालदैन दे खत्म ते जिक्र दी माफल करवाना, हजूर दा मिलाद करवाना और इसाले सवाब वास्ते लोगां नूं जमा करना बहुत सआदत मंद औलाद है। और याद रखो औलाद वास्ते सब तू बेहतरीन ते वड्डे बुजुर्ग ओदे वालदैन ने, कहो सुभान अल्लाह, जेडे माशाल्लाह पिछू उठ के पैसे नहीं दे रहे सुभान अल्लाह दे कही आओ ना, सुभान अल्लाह दे कोई मोल नहीं लगता, ताकि तुसी आए हो लफजे सुभान अल्लाह एदा साले सवाब इन्हां दे बुजुर्गां नूं कीता जाए ते तुहाडे तशरीफ लियाउण दा भी मकसद पूरा हो जाए। औलाद वास्ते बेहतरीन वली अल्लाह वलीए कामल ओदे वालदैन ने, याद रखो जो हकायक ने उसनू छुपाया नहीं जा सकता। जितने भी औलिया आजाम सूफियाए कराम जिन्हानू मकाम मिलिया, वलायत मिली, दर्जा मिलिया, फजीलत मिली, उन्हां वलियां नूं भी अपने वालदैन दे सदके मिलिया है। तुसी वेख लो सुल्तान बाहू जांदे हो, पहले आंदे हो जी माई बाप दे मजार ते जाओ, हाँ जी सुल्तान बाहू दे वालदैन दे मजार ते जाओ। मेरे सजे पासे किबला पीर मंजूर साहब तशरीफ फरमा ने, इन्हां दे वालदे मोहतरम पीर आता मुहम्मद नुशाई, इन्हां दे वालद भी और इन्हां दे पीर भी, जिन्हों भी कोई फैज मिले है कोई वली बने है वो अपने वालदैन दे सदके मिले बने। और याद रखो गौसे आजम अकलीम वलायत दे अंदर बहुत बड़ा मकाम है, शेख अब्दुल कादर जिलानी अलैह रहमा गौसे आजम दा, तुसी हजरात इस गल तो वाकफ हो, मैं सिर्फ याद दहानी वास्ते पेश कर रहे हैं कि आप बचपन के अंदर काफले दे नाल जा रहे ने, डाकू पै गए, वालदा ने कुछ अशरफिया उस पट्टी दे अंदर बंद करके कपड़े दी पेट नाल बंदियां सन, डाकुआ ने जदों काफला लुटिया ते उस बच्चे ने कहा जिदा नां गौसे आजम सी, फरमाया मेरे कोल भी माल है अशरफिया ने दौलत है, उन्हें कहा अजीब बंदा है, लोग ते डाकुआ कोलों माल छुपांदे ने, तू अपना माल आप दस रहे हैं, फरमाया मेरी मां दा हुक्म है झूठ नहीं बोलना, बोलो मेरी मां दा हुक्म है झूठ नहीं बोलना। इस वास्ते जिन्नू भी जो कुछ मिलिया वालदा दी कदमा दी खैरात है और अपने बाप दी दुआ है। अज चौधरी मुनीर साहेब दीगर इन्हां दे बरादरान अहले खाना रिश्तेदार अजीज व अकारब
इन्हां नूं जो कुछ मिलिया अपने सच्चे ते खरे बाप दे सदके मिलिया और अपने वालदे मोहतरम दे सदके मिलिया। तो याद रखो एक जुमला जरा थोड़ा जा तलख है, अगर वो हजम हो जाए है हकीकत है। स्टेट सैकटरी साहब दी गल्लां अच्छियां लग रही सन, तो मैं अर्ज कर रहे हैं असी किन्ने पैसे खर्च करके, तवज्जो भाई गुफ्तगू ना करो प्लीज, है बच्चे ना बोलन ते इधरों भी आवाज़ ना आए ताकि जी महफल है ना उदा रिदम ना टुटे। माशाला सवाब समझ के बैठो, बच्चे थले बैठ जाओ, कोई बच्चा अगे ना आवे। तो इसलाह वास्ते एक जुमला अर्ज कर लगा, असी अपने बुजुर्गों कोल पीरां कोल दरबारां ते बसां करा के जाने, पैसे खर्च करके जाने, जाना चाहिए मेरा अकीदा है, और एहतराम करने हैं अपने पीर दे सामने हाथ बन के खड़े होने, पीर नू कंड भी नहीं करते, जिथे पीर साहब बैठे होन उन्हां दे बराबर भी नहीं बैंदे, थले बैंदे हैं उन्हां पीरां नू, उन्हां दरबारां वालियां नू वलायत मिली, मकाम मिलिया ते उन्हां दे वालदैन दे सदके। काश अहले सुन्नत हजरात जिस तरह असीं पीरां दी कदर करने हैं अपने माँ बाप की भी कदर करिए ते सानू भी वलायत मिल जाए। असी माँ बाप नू नाराज करके दरबारां ते टुर जाने, माँ बाप तुहाडे वास्ते वली अल्लाह ने, और साढ़े पीर किबला आलम पीर मंजूर साहब तशरीफ फरमा ने पहला इन्हों का दरस ही है वे, इन्हों का सबक ही है वे, जिहड़ा साडी बारगाह विच आए आस्ताने ते आए वो पहला अपने माँ बाप कोलों इजाजत लैके आवे, अपने माँ बाप की फरमा बरदारी नाल आवे, ताबियादारी नाल आवे। याद रखो तुहाडे ते मेरे आका अलैहि सलाम दा फरमान, माँ बाप दा चेहरा वेखना इबादत है। कह दियो सुभान अल्लाह, जिन्हां दे वालदैन जिंदा ने जरा डट के आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक तुहाडे माँ बाप नू सलामत रखे, हज करिया करो माँ बाप दा चेहरा वेख के, इबादत करिया करो माँ बाप दी ज़ियारत करके। ये मैं को अपने कोलों नहीं गल कह रहा, एक कुरान पाक दे अंदर अल्लाह ने फैसला कर दिता है। बोलो कुरान पाक दे अंदर अल्लाह पाक ने, बच्चे ना बोलो प्लीज मेहरबानी बैठे रहो, कुरान पाक दे अंदर फैसला मौजूद है। क्योंकि मेरा एक मजाज इस तरह का है, मैं कुरान और हदीस ज्यादा बयान करना, क्योंकि हजूर अलैहि सलाम सानू ये तीन चीज़ा दे के गए ने। आखिरी हज के मौके पर फरमाया किताबुल्लाह अल्लाह का कलाम, और मेरी सुन्नत जो रिटन पारूफ दे अंदर हदीसा की शक्ल के अंदर है, इन दोवें चीज़ों का दामन थाम के रखिया जे कभी गुमराह नहीं होवोगे। हजूर अलैहि सलाम हज पढ़ के वापस आए, मक्के मदीने के दरमियान खुम नामी गांव पिंड सी जिथे हजूर अलैहि सलाम ने पानी वास्ते पड़ाव डालिया, आका अलैहि सलाम ने उस मकाम ते मुस्लिम शरीफ दियां तरतीब नाल चार हदीसा मौजूद ने। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया तीसरी चीज मैं अपनी आल छड़ के जा रहा वा, अहले बैत छड़ के जा रहा वा, कुरान दा दामन थामना, मेरी सुन्नत दा दामन थामना, और मेरी आहले बैत दा दामन थाम के रखिया जे कदी गुमराह नहीं होवोगे। लो हजूर अलैहि सलाम सानू ए तीन चीज़ा दे के गए ने, तुसा हुण कोशिश करनी है इन्हां तिना चीज़ा नू पकड़ के रखना है। मगर अफसोस दर अफसोस आलमोस्ट असी कुरान पाक नू पढ़ रहे हां समझ नहीं रहे, कुरान पढ़िया जा रहा है समझिया नहीं जा रहा, क्योंकि कुरान अरबी जबान है, साड़ी अरबी लैंग्वेज नहीं है, इस वास्ते सानू समझ नहीं आता। कोशिश करो आमदे रमजान है, हर बंदा कुरान पढ़े, थोड़ा पढ़ लो, मुकाबले नहीं लाने, मैं 10 कुरान खत्म करने, मैं 20 करने ने, 2 आयतें पढ़ लो, समझ के पढ़ो, तर्जमे नाल पढ़ो, तफसीर नाल पढ़ो, एक नोटबुक बना लो, जिस गल दी समझ आउंदी जाए ऐत नंबर लिखो, पारा नंबर लिखो, तुहानू कुरान दी समझ आएगी। जदों कुरान दी समझ आ गई, हजूर दी शान समझ आएगी, जदों आका दा मकाम समझ आ गया, तुहानू टोटल दीन इस्लाम समझ आ जाएगा। और असा कुरान भी छड़ दिता, पढ़ रहे हैं, वेखो ना साढ़े हाफज तरावियां पढ़ाते ने, उन्होंने भी कोई पता नहीं, उन्हें सिर अरबी का पता ही नहीं, तुसी नेट वेखो
जेडे अरबी जानन वाले इमाम मस्जिद ने जदों जमात कराते ने रो रहे होंगे ने उन्होंने पता लग रहा होंगे कि अल्लाह पाक इन आयतों के अंदर की हुक्म फरमा रहे हैं। हाँ जी दूसरी चीज असा हदीसा भी छड़ दीतियां उधर ते अमल करना छड़ दिता और तीसरी चीज आहले बैत हालां हजूर अलैहि सलाम दे विसाले पाक नूं 50 साल पूरे नहीं होए अल्लाह अकबर आलमोस्ट करबला दे अंदर हजूर अलैहि सलाम दी आल औलाद ही सेवा कर छड़ी तिन्ने चीज़ें ही छड़ दीतियां कुरान भी छड़ दिता सुन्नत भी छड़ दी और औलाद रसूल नूं भी सेवा कर दिता लेकिन जोड़े तुसी कायम दायम अहले ईमान हो इन्हां तिन्ना चीज़ों का दामन थाम के रखिया जे कामयाब हो जाओगे। तो मैं अर्ज कर रहा नाराय रिसालत नाराय हैदरी तो नोट फरमाओ सूरत बनी इसराइल लिख लो केड़ी सूरत बोलो 15वां पारा तरतीब दे लिहाज नाल सूरा नंबर 17 जिन्हों 17 उर्फ आम दे अंदर आंदे हो और ऐत नंबर 23 त्रेई नंबर ऐत इहदे अंदर अल्लाह शहनशाह ने फैसला कर दिता है। बोलो मेरे मालक ने फैसला जो हाई कोर्ट का फैसला हो जाए ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाए उसके बाद फैल बंद फैसला अल्लाह पाक दा सुन लो अल्लाह ने फैसला दे दिता वा कदा रब्बू का और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया। बोलो तुम्हारे रब ने अल्लाह ताबुदू इबादत करोगे इल्ला अय्याहू मगर सिर्फ उसी की पहला फैसला आ गया इबादत सिर्फ रब दी होवेगी। बोलो इबादत फैसला सुनो फैसला और ये पंज शिक्का ने कुराने पाक के अंदर जो मौजूद ने जेडे अहले इलम हजरात ने जरा तवज्जो नाल अल्लाह फरमा रहे असा फैसला कर दिता इबादत सिर्फ अल्लाह पाक दी होवेगी और व बिल वालिदैनी एहसान सिर्फ अक्सर साढ़े उलमा इन्ना टुकड़ा पढ़ते ने अगे नहीं पढ़ते और वालदैन नाल एहसान करो अगे व बिल वालिदैनी एहसान सारे कहो सुभान अल्लाह। मैं जरा ऐत नंबर वेख लां दोबारा ठीक हो गया 15वां पारा इम्मा यबलू गन्ना इम्मा यबलू गन्ना फैसला सुना रहे हैं इन द कल की बारा जब वो पहुंच जाए इन द का तुम्हारी मौजूदगी में की बारा बुढ़ापे में तुम्हारे वालदैन जब बुढ़ापे में पहुंच जाए अहदूहुमा हुमा जमा दसीगा है दोनों में से एक औकिला हुमा या दोनों ये लफ्ज़े हुमा इन्हां दो आयतां विच 7 मरतबा आया है हुमा तो मुराद वालदैन ने कहो सुभान अल्लाह। बोलो हुमा तो मुराद वालदैन ने अहदुहुमा एक पहुंचे या वालदा या वालद औकिलाहुमा या दोनों बुढ़ापे दे अंदर पहुंच जान फला तकुल्लाहुमा इन दोनों के सामने उफिन उफ तक नहीं करनी। ये मैं कुरान पढ़ रहा कोई 12 तकरीरां किताब नहीं पढ़ रहा। बोलो उन्हां दे सामने ओ जिमें दा मर्जी मजाज होवे बाप गुस्से नाल वेखे मां गुस्से नाल गल करे लेकिन तुसा अगू उफ भी नहीं करनी अगे वला तन हारूहू मां वाओ का मैना और है ला का मैना नहीं है वला तन हारूहू मां इन दोनों को झिड़कना नहीं है। बोलो इन्हां दोवां नूं झिड़कना बला तन हारूहू मां इन्हां दोवां नूं झिड़कना नहीं दो चीजा अगे वकुल्लाहुमा फला वकुल्लाहुमा कौलन करीमा जदों तुसां गल करनी है ना कहना है वकुल्ला और कहना है गल करनी है लहुमा इन दोनों से कौलन करीमा आहिस्ता आजजी नाल इन्हां नाल गल करनी। लो जी नंबर 4 ते मैं आ गया
अगली जो अगला जुमला कुरान पाक दा बड़ा प्यारा, वाखफिज वाखफिज लाहू मा, जब इनके सामने इन दोनों के सामने पेश होना है, अल्लाह ने तरतीब कैसी दसी, तहजीब कैसी दसी, अदब कैसे दसिया, वाखफिज लाहू मा, जब इन दोनों के सामने आओ तो की करना है, जनाहज़ुल्ली अपने दोनों कंधों को झुका लेना है। क्या बात है, ये कुरान पेश कर रहे हैं, जनाहज़ुल्ली अपने दोनों कंधों को झुका लेना है, मिर रहमती रहमत के साथ, आजजी के साथ, उनके सामने अदब के साथ झुक जाना है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। वकुल रब्बिर हम हुमा, और कहे अपने रब से, सुभान अल्लाह, या अल्लाह इन पर रहम फरमा, बोलो या अल्लाह इन पर रहम फरमा, कमा रब्बी यानी सगीरा, जैसे कि इन्होंने मुझ बचपन पर मेरे उत्ते रहम कीता सी ना, या अल्लाह तुम ये ना ते रहम फरमा दे। ये पांच पॉइंट ने अल्लाह पाक दा फैसला मैं तुम्हें सुना दिता है, तुहानू ये हुण गवाह बना के कह रहे हैं, जिन्हां दे मां बाप जिंदा ने ना, इन्हां पंजां गल्लां ते अमल करिया। और अगली बात, कुराने पाक दे अंदर थोड़ा जा पानी पाया, ये है सूरत अल हदीद, बोलो सूरत, सारे बोलो सूरत, 27 पारा और ऐत नंबर मेहरबानी, थैंक यू, सूरत अल हदीद तरतीब दे लिहाज नाल सूरा नंबर 57 और आयत नंबर 28, 27 पारा। इहदे अंदर अल्लाह शहनशाह जो मैं खुतबे दे अंदर आयत पढ़ी, अल्लाह पाक आगाज दे अंदर तुहानू मुसलमाना नू पुकार रहे ने, खिताब फरमा रहे ने, और अगलियां आयतां दे अंदर हजूर दी शान है, जरा तवज्जो नाल समात फरमाओ, सुनो कुरान, खाल के कायनात ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जेड़ा जेड़ा ईमान वाला है आखे सुबहान अल्लाह, मोमन बोले, मोमन बोले, मुसलमान बोले, अल्लाह कह रहे आजे या माना मुखातब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू, ऐ ईमान वाले हो, ऐ मोमनो, ऐ मुसलमानो, ऐ मेरे बंदे हो, अहले ईमान, लफ्ज़े आमनू तवज्जो, अहले ईमान, लफ्ज़े आमनू फिरका वरियत दी नफी है, अल्लाह सानू मुसलमान कह के बुला रहे आए, मोमन कह के बुला रहे आए, अहले ईमान कह के बुला रहे आए, बेशुमार खतामा सी करने वाले, कमियां कुताइयां, बेशुमार गुनाह मौजूद ने, इसके बावजूद भी अल्लाह सानू मुसलमान कह रहे आए, अल्लाह सानू मोमन कह रहे आए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्ला, ईमान वाले हो, या अल्लाह सी हाजर असी मौजूद हाँ, अज चौधरी मुनीर साहब ने अपने बुजुर्गों की महफल सजाई, या अल्लाह इस महफल दे अंदर असी तेरी बारगाह दे अंदर हाजर, या अल्लाह असी हाजर, फरमाया सुन लो अल्लाह दा मैसेज, अल्लाह फरमा रहा है इत्तकुल्ला, मेरे कोलू डर दे रहे आजे,
मेरा खौफ अपने दिल मच रखे आजे खौफे खुदा नंबर वन पॉइंट खौफे खुदाओ सिर्फ लफ्जा नाल नहीं अमल नाल खौफे खुदाओ अपने किरदार दे अंदर खौफे खुदाओ लफ्जा नाल हर बंदा ही आंदा है मैं अल्लाह कोलू डरदा जे मैं किसे बंदे कोलू नहीं डरदा हो हकीकत दे अंदर ओ बंदा अल्लाह कोलू भी जे नहीं जे डरदा हो जेड़ा रब कोलू डरन वाला होवे ओ रब दी मखलूक कोलू पहला डरेगा वो छांट छांट के कदम रखेगा वो किधर रब दी मखलूक ना नाराज हो जाए किधर अल्लाह दे बंदे नाराज ना हो जान जेड़ा रब कोलू डरन वाला है वो रब दी मखलूक कोलू भी डरेगा वो पहला अल्लाह वल्लू पैगाम आ गया हो लिख लो नोट कर लो अल्लाह फरमा रहा है मेरे कोलू डर दे रे आज मेरा खौफ अपने दिलां विच रखिया जे नंबर वन पॉइंट आगे पढ़िए कुरान इत्ता कुल्ला वा आमीनू वाओ का मैना और है वा आमीनू और ईमान रखिया जे भी रसूल ही मेरे रसूल पाक ते ईमान रखिया जे जी मैं बस ऐत पूरी करके वाइंड अप करना हूँ वामिनू भी रसूल ही और मेरे रसूल पाक ते ईमान रखे आजे जबकि आगाज हुक्म ईमान वाले आनू इत्थे अल्लाह फरमा रहे आए मेरे रसूल महबूब ते ईमान रखे आजे ओ केड़ा ईमान है जो मेरा नबी कह देवे ओ देते अमल करे आजे जिस तू रोक देवे रुक जाए आजे के रसूल होवेगा जेड़ा डाके नहीं मारेगा हो जुतियां नहीं चुकेगा हो किसे दा माल नहीं लुटेगा हो किसे दी जेब तराशी नहीं करेगा हो झूठ नहीं बोलेगा हो घाट नहीं तोलेगा हो जुलम नहीं करेगा हो गुंडागर्दी नहीं करेगा हो गरूर नहीं करेगा हो तकबर नहीं करेगा हो आज के नबी वो है जो आजजी नाल प्यार मोहब्बत तक करे वामिनू भी रसूल ही और रसूल कायनात ते ईमान रखे आजे दो पॉइंट सामने आ गए कुरान दे खौफे खुदाओ दूसरा इश्के मुस्तफा दो पेपर हल कर ले आजे दुनिया दे खौफे खुदाओ दूसरा इश्के मुस्तफाओ जेड़ा ये दो पेपर हल करेगा हो दो इनाम मिलेंगे आगे पढ़िए कुरान अल्लाह फरमा रहा है यो ती कुम अता करांगा हो यो ती कुम अता करांगा मिर रहमती ही दो रहमताओ यो ती कुम किफ लैनी मिर रहमती ही मैं दो रहमताओ अता करांगा पेपर दो खौफे खुदाओ इश्के मुस्तफाओ इनाम भी दो पहला इनाम अल्लाह फरमा रहा है यो ती कुम किफलैनी मिर रहमत ही दो रहमतां अता करांगा पहली रहमत वायज आगे पढ़िए वायज अल्लाह कुम नूराओ वायज अल्लाह कुम नूराओ और नूर मिलेगा पहला इनाम नूर मिलेगा नूर मिलेगा तुसी हजूर ले सलाम दे तरीका कार ते अमल करो नूर वाला नबी मिलेगा वयजअलकुम नूरन नूर मिलेगा तमशून बिही सूरत अल हदीद तमशून बिही ओ नूर तुहाडे नाल नाल रवेगा नूर तो मुराद हजूर दी जात है ओ नूर तुहाडे नाल नाल रवेगा नूर किथे जरूरत है जिथे अंधेरा होवे उथे चानण दी
ਉਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਰੇ ਨੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਭੈਣਾਂ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਰਾ ਹੱਥੀ ਮੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਲਕਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਮੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਮੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਨੂਰ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੂਰ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂਰ ਅਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੂਰ ਵਾਲਾ ਨਬੀ, ਨੂਰ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਨਬੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਆਣ ਡਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਡਰਾਇਆ। ਯਾਰੋ ਰਾਤ ਕਬਰ ਦੀ ਕਾਲੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਵਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਕਮਲੀ ਕਾਲੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਵਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਕਮਲੀ ਕਾਲੀ। ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੱਕਦੇ ਸਨ ਨੈਣ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂਝੀਆਂ ਠੁੱਕੀ ਭੂਏ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਦਿਸੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਫਾਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ, ਆਈਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਆਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ, ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਸ਼ਾਕਰ ਨੁਸ਼ਾਈ ਕਾਦਰੀ ਸਿਆਲਵੀ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਵਜਾਲਕੁਮ ਨੂਰਾ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਨੂਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਮਸ਼ੂ ਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਇਨਾਮ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਣੋ ਕੁਰਾਨ ਆਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਾਯਗਫਿਰ ਲਕੁਮ, ਵਾਯਗਫਿਰ ਲਕੁਮ, ਔਰ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਖੌਫ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਵਾਯਗਫਿਰ ਲਕੁਮ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਵੱਲਾਹੂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਵੱਲਾਹੂ ਵੱਲਾਹੂ ਗਫੂਰੁਰ ਰਹੀਮ, ਗਫੂਰੁਰ ਰਹੀਮ। ਅੱਲਾ
फरमा रहे ने मैं गफूर भी आऊं मैं रहीम भी आऊं मैं बख्शन वाला वाऊ मैं माफ कर देन वाला वाऊ ये महीना शौबान दा हो माफी दा महीना हो अगला महीना रमजान दा हो तौबा दा महीना हो हजूर फरमा रहे ने शौबान मेरा महीना मैं इख्तितामल जा रहा हूँ शौबान मेरा महीना हो मैं बड़ा किबला पीर साहब हैरान हो जाओ हजूर अलैहि सलाम ने इस महीने दी निस्बत अपने नाल क्यों रखी है बाकी यारा महीने रब दे शौबान मेरा महीना जो मैं तहकीक की जो मैं अरकरेजी की सुन लो हजूर ले सलाम ने अपना महीना क्यों आखियाओ यकम शवान लिख लो यकम शवान विलादत बासादत सईदा जैनब सलामुल्लाह फातिमा तु सहरा दी जाई खातून जन्नत दी बेटी हुसैन दी हमशीरा अली अल मुर्तजा दी लाडली बेटी हजरत जैनब दी विलादत बासादत यकम शवान मदीने तो लैके मक्के तक सब मदीने तो लैके मक्के तक हुसैन बादशाह दे नाल जान वाली जैनब मक्के तो लैके करबला तक नाल जान वाली जैनब अपने बच्चे भांजे भतीजे कुर्बान कर जान वाली जैनब कूफे जान वाली जैनब कूफे तो लैके शाम तक जान वाली जैनब शाम तो लैके मदीने आने वाली जैनब यकम शवान सिर्फ पांच मिनट यकम शवान विलादत जैनब अलैह सलाम तीन शवान विलादत हुसैन अलैह सलाम सिर्फ पांच मिनट की गल है पांच मिनट की गल या मैनू टाइम आखिर ते दें दे तीन शौबान विलादत हुसैन अलैह सलाम तीन शौबान विलादत हुसैन अलैह सलाम चार शौबान विलादत अब्बास अलमदार पांच शौबान विलादत ज़ैनुल आबिदीन सात शौबान विलादत शहजादा ए कासम सन्नी हजरी अलैदा अलैदा ग्यारह शौबान विला आदत अली अकबर हुण पता लग गया हजूर ले सलाम ने क्यों फरमाया शवान मेरा महीना हो इबादत का महीना हो आखिरी जुमले जनाब चौधरी मुनीर साहब अपने वालदैन का खत्म दिलाने वाले हो वालदैन वालदैन का माना की है कोई आलम बयान नहीं करेगा वालदैन का माना दो वली सुभान अल्लाह बिला तखीर दूसरे लामा साहब अपने